कक्षा 10 प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है समांतर श्रेणी के कुछ पद दे रखे हैं, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। जैसे यहाँ दूसरा दे रखा है 70 है, 100 है, 70 है, 30 है और 10 है। अब इनमें देखो अंतर क्या है, समान है। देखो 100 में से कितना घटाएंगे कि 70 आ जाए तो 30, यहाँ पे कितने का अंतर है, 70 और 40 में 30 का अंतर है, 40 और 10 में क्या अंतर है, कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। तो यह क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी हो गया, ठीक है। इस प्रकार समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है वो माइनस और प्लस में भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर बात करेंगे कि प्लस माइनस और जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ दे रखा है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, और जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, ठीक है। और ये सार्वंतर है जो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, और इनको देखते हैं कि ये क्या है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो ये पहला होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, ये को बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। एक होता है डी जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर। अगर जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसमें सार्वंतर समान है तो वह क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है। जैसे ये 4 है, इसको हम बोलेंगे A1, ये होता है A2, ये A3 और ये होता है A4 होता है। अब हम इनमें क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सार्वंतर, देखो सार्वंतर होता है डी, इसका मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1, जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद को घटाना है। दूसरा पद कितना है, 10 है, पहला पद कितना है, 4 है, अंतर कितना आया, 6। इसी प्रकार डी दोबारा निकाल लेंगे, तीसरे पद में से दूसरा घटाना, A3 माइनस A2, तीसरा पद कितना है, 16 है, दूसरा पद कितना है, 10 है, घटाने पर कितना आया, 6 आया। देखो ये D का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसी प्रकार तीसरे में चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे तो सार्वंतर क्या आएगा, समान आएगा। अगर सार्वंतर समान आता है तो वह क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर 1 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, कारण बताना है। नंबर प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। मतलब पहले किलोमीटर जाएंगे तो उसका किराया कितना है, 15 रुपये, और आगे वाले जो भी जितने भी किलोमीटर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, किराया कितना जुड़ता जाएगा, 8 जुड़ता जाएगा। और हमें बताना है कि यह AP में है या नहीं है, मतलब कि AP का मतलब है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। सवाल में क्या दे रखा है, प्रथम लिखेंगे हम, प्रथम किमी का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया इन्होंने कितना दे रखा है, 15 रुपये दे रखा है, सवाल में बोला है, ठीक है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये है, ठीक है। और अतिरिक्त, और क्या दे रखा है सवाल में, अतिरिक्त प्रत्येक, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का किराया भी हम अतिरिक्त चलेंगे तो उसका भी किराया कितना है, 8 रुपये, ठीक है। ये हमें 8 रुपये दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है, 15 रुपये दे रखा है, ठीक है। ये सवाल में हमें दिया है, ठीक है, तो हम निकालेंगे। दूसरा किलोमीटर चलेंगे तो हम लिखेंगे 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 1 का 8 है, 1 का 15 है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, अतिरिक्त किराया कितना है लगेगा, 8 और लग जाएगा, तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे 3 किलोमीटर का किराया, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर का किराया कितना है,
15 है, परंतु हमें कितना ज्ञात करना है, 3 का। तो 2 बारी 8 जोड़ेंगे, 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 31 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे 4 किलोमीटर का किराया। अब 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एक किलोमीटर का। उसके बाद में आगे चलेंगे तो कितना रुपये लगता जाएगा, 8 रुपये लगेगा। पहली बार 15 लगेगा, उसके बाद में जितने भी किलोमीटर चलेंगे हर बार हमें 8 रुपये देना होगा। तो हमने कितना किलोमीटर चलना है, 4 चलना है, पहले का तो 15, उसके बाद में 3 किलोमीटर और बचे उनका हमें 8-8 देना है। इस प्रकार हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 39 रुपये हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर A1, A2, A3, A4। ठीक है, A1 का मान हमारे पास में कितना दे रखा है, 15 रुपये। A2 का मान हमारे पास में कितना है, 23 रुपये। A3 का मान कितना है, 31 रुपये। और A4 का मान कितना है, 39 रुपये। ये लिखे हैं मैंने, ये सारे A1, A2, A3, A4 के मान हैं। अब हमें निकालना है D, वही अभी बताया था मैंने। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, प्रथम द्वितीय पद में से पहला पद को घटाना है। दूसरा पद कितना है, 23 है, पहला पद कितना है, 15 है, घटाने पे कितना आया, 8। इसी प्रकार दोबारा डी निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो तीसरा पद हमारे पास में 31 है, दूसरा पद कितना है, 23 है, घटाने पर हमारे पास में कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसी प्रकार तीसरा निकालेंगे तो A4 में से A3 को घटाएंगे, A4 कितना है, 39 है, A3 कितना है, 31 है, घटाने पर कितना आया, 8 है। अब देखो सर्वांतर इसमें क्या आ रहा है, समान आ रहा है। देखो D का मान कितना आ रहा है, 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अगर सर्वांतर समान आए तो यह क्या होता है, AP में है। तो हम लिखेंगे सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी यह AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस AP में है। दूसरा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। इसने क्या बोला है कि प्रत्येक बार 1/4 भाग निकाल, जितनी इसमें हवा है ना उसका प्रत्येक बार कितनी बाहर निकालेगा, जो शेष हवा बची है उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, 1/4 भाग शेष हवा का बोल रहा है ये। हम क्या मानेंगे, माना बेलन की हवा, माना बेलन में क्या मानेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा बेलन में है जो कि हवा की मात्रा कितनी है, x है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, x है। ठीक है, तो जो हवा बाहर निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो हम लिखेंगे हवा का बाहर निकलना, हवा बाहर कितनी निकलेगी, जो हवा दे रखी है उसका कितना, 1/4, तो x का 1/4 कितना हो जाएगा, x/4, ये हवा बाहर निकलेगी। अब इसने क्या बोला है, जो शेष हवा है इसमें शेष हवा कितनी बचेगी, तो हम निकालेंगे शेष हवा इतनी हवा बाहर निकल गई तो शेष हवा कितनी बची, उसमें शेष हवा कितनी बचेगी, हवा कितनी है, x है, उसमें से तो इतनी हवा बाहर निकल गई, 1/4 हवा बाहर निकल गई तो शेष हवा कितनी बचेगी, 4 को लिया लघुत्तम, यहाँ कितना आ जाएगा, 4x - x बराबर कितना, 3x/4, ये हमारे पास में क्या बचेगी, शेष हवा बचेगी। ठीक है, तो ये जो है A1 है, ये क्या हो जाएगी, जो शेष हवा है ये हो जाएगी A2 हो जाएगी। अब हमारे पास में हवा कितनी है, 3x/4, अब बाहर कितनी निकलेगी, तो हम लिखेंगे दोबारा हवा का बाहर निकलना हवा बाहर कितनी निकलेगी, कितनी देर की हवा,
तीन एक्स बटा में चार। इसने बोला जो हवा है उसका एक बटा चार बाहर निकलता है, तो एक बटा चार इसका, ठीक है, शेष हवा का एक बटा चार कितना हो जाएगा, तीन एक्स बटा में सोलह। ये हवा बाहर निकलेगी, अगर ये हवा बाहर निकलेगी पंप से तो शेष हवा कितनी बचेगी, हम निकालेंगे शेष हवा, तो निकलेंगे लिखेंगे शेष हवा। अब हमारे पास में जो हवा थी वो तो बाहर निकलेगी, उसमें से क्या बचा है, शेष हवा। शेष हवा कितनी बची, तो शेष हवा कैसे निकालेंगे, हमारे पास में जो हवा थी कितनी थी, तीन एक्स माइनस चार, इसमें से क्या घटाएंगे, जो हवा बाहर निकली है कितनी निकली है, तीन एक्स बटा में सोलह। तो लघुत्तम कितना लेंगे, सोलह, ठीक है। तो इसमें इसका भाग दिया कितना आया, चार, चार को तीन से गुणा किया, चार दिया बारह, एक्स बटा में सोलह में सोलह का भाग दिया एक, एक को तीन एक्स से गुणा किया तीन एक्स, तो बचा कितना, बारह में से तीन एक्स गया, हमारे पास में बचा नौ एक्स बटा में सोलह, तो ये क्या हो जाएगा, ए थ्री। इसी प्रकार हम ए फोर भी निकाल सकते हैं, इसका एक बट्टा चार हो जाएगा, ठीक है, वो बाहर निकलेगी हवा, फिर इसमें से उसको घटा देंगे, ठीक है, इस प्रकार ए फोर आ जाएगा, ठीक है, परंतु इतना ही बहुत है। तो हम लिखेंगे ए वन ए टू ए थ्री। ए वन हमारे पास में कितना है, एक्स है, ए टू हमने कितना निकाला है, तीन एक्स बटा में चार, और ए थ्री कितना है, नौ एक्स बटा में सोलह। अब इनको देखना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, डी है सार्वंतर, ए टू का मान है तीन एक्स बटा में चार माइनस क्या हो जाएगा एक्स, तो बराबर हमने लघुत्तम लिया चार, तो तीन एक्स माइनस चार एक्स, इस चार का एक्स से गुणा होगा तो चार एक्स, माइनस के चार एक्स में से प्लस का तीन एक्स गया, बचा कितना, माइनस एक्स बटा में चार, ठीक है। अब इसको चाहे डी वन लिख सकते हो, अब डी टू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री कितना है, नौ एक्स बटा में सोलह माइनस तीन एक्स बटा में चार ए टू, वही लघुत्तम कितना आएगा, सोलह आएगा, सोलह से सोलह कट जाएगा, बचा कितना, नौ एक्स माइनस चार में सोलह का भाग दिया कितना आया, चार, चार को तीन से गुणा किया, चार दिया बारह एक्स, बारह एक्स में इसको, ये माइनस के बारह एक्स में से प्लस का नौ गया, तो माइनस का तीन एक्स बटा में कितना, सोलह। अब देखो दोनों में जो अंतर है समान नहीं है, यहाँ तो आ रहा है माइनस एक्स बटा चार और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस तीन एक्स बटा में सोलह, अंतर समान नहीं है, तो हम लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर समान नहीं, अतः एपी में नहीं है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत ₹150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, ₹50 है। वही जो पहला सवाल था वही है, इसमें क्या देखा है, पहली बार हम खुदाएंगे तो कितना लगेगा, ₹50, उसके बाद में प्रत्येक खुदाएंगे तो कितना लगेगा, ₹50 लगता चले जाएगा, आगे हर मीटर पर कितने लगेगा, 50-50 बढ़ता चला जाएगा। सवाल में क्या दे रखा था, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी दे रखी है, ₹150 दे रखी है, और बाद में प्रत्येक मीटर की हम खुदाई करेंगे तो कितना चार्ज लगेगा हमें, ₹50। पहली बार खुदाएंगे तो ₹150 है एक मीटर का, ठीक है, उसके बाद में जितने भी मीटर वो खोदेगा उसका ₹50 लगता चले जाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर वही, एक मीटर क्या निकालेंगे, एक मीटर की खुदाई की लागत, हम एक मीटर खुदाई की लागत कितनी दे रखी है, पहली बार खुदाएंगे तो कितना लगेगा, ₹150, तो एक मीटर का तो ₹150। अब हम लिखेंगे दो मीटर खुदाएंगे तो कितना रुपए लेगा, पहले मीटर के तो ₹150 और दूसरे का कितना लगेगा, 50, मतलब कि कितना हो जाएगा, ₹200। इसी प्रकार हम तीन मीटर खुदाई करेंगे, ठीक है, तो देखो पहला मीटर का कितना लग जाएगा, ₹150, उसके बाद में दूसरा मीटर का ₹150, ₹50 और तीसरे का भी 50, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, ₹250। इसी प्रकार अगर हम चार मीटर की खुदाई करवाएंगे,
ठीक है। तो पहले मीटर की खुदाई का कितना है 150, दूसरे मीटर की खुदाई का 50, तीसरे मीटर की खुदाई का 50, चौथे मीटर की खुदाई का 50, तो टोटल हमारे पास में कितने रुपए हो जाएंगे 300 रुपये। ठीक है, अब वही A1, A2, A3, A4, A1 का मान हमारे पास में कितना है 150, A2 का मान कितना है 200, A3 का मान कितना है 250 और A4 का मान कितना है 400 दे रखा है। वही निकालेंगे, D1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास में है 200, में से 150 को घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर 50 का। इसी प्रकार D2 निकालेंगे, तो इसको D भी लिख सकते हो, चाहे D1, D2, D3 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 है, उसमें से 200 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 50। चाहे एक बार और निकाल लो D3 या D निकाल लो, A4 माइनस A3, A4 हमारे पास में कितना है 300 माइनस 250, कितना बचा 50। अब देखो अंतर कितने का रहा है 50 का, तो सार्वंतर क्या है इसमें समान है, लेकिन देना सार्वंतर समान है, अतः यह क्या है एपी है, एपी में है। सवाल नंबर 4 दे रखे हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा द्वारा की जाती है, तो बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। सवाल नंबर 4 में मूलधन हमारे पास में दे रखा है 10000 रुपये, दर दे रखी है 8% और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो जो ये 10000 रुपये दे रखा है ये A1 का मान है, कितना है 10000 रुपये, और मिश्रधन क्या होता है मूलधन ब्रैकेट 1+ दर बटे 100 पावर क्या हो जाएगी समय, ये मूलधन का सूत्र होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है। तो हम लिखेंगे कि एक वर्ष बाद में मिश्रधन, तो एक वर्ष बाद में इसका मिश्रधन क्या होगा, एक वर्ष बाद मिश्रधन, तो एक वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, तो मूलधन हमारे पास में कितना दे रखा है 10000 रुपये इंटू दर कितनी है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 1+8/100, समय कितना एक वर्ष, तो ये हो जाएगा 10000 इंटू 100, एक में से गुणा करेंगे 100+8 कितना हो जाएगा 108/100, 20 से 20 कट गया, हमारे पास में कितना आ जाएगा गुणा करने पर 10800 रुपये। अब हम निकालेंगे दो वर्ष बाद मिश्रधन, दो वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, वही मूलधन कितना 10000, तो 1+ दर कितनी 8/100 पावर 2, क्योंकि दो वर्ष का, तो हो जाएगा 10000 इंटू 108/100 इंटू 108/100, ठीक है। अब इनको काटेंगे 20 से 20 गुणा करने पे कितना आएगा 11664 रुपये, ठीक है। तो अब वही लिखेंगे A1, A2 और A3 का मान, तो A1 का मान हमारे पास में कितना दे रखा है 10000 रुपये, ठीक है। A2 का मान कितना दे रखा है 10800 रुपये, और A3 का कितना हो गया 11664 हो गया। यहाँ से हम क्या है D निकालेंगे, अगर सार्वंतर समान हुआ तो ठीक है एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, 10800 माइनस 10000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये। इसी प्रकार A3 माइनस A2, 11664 में से 10800 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 864 रुपये आ जाएगा। अब देखो यहाँ सार्वंतर आ रहा है 800, यहाँ आ रहा है 864, तो क्या है सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं, अगर सार्वंतर समान नहीं है तो यह क्या है एपी में भी नहीं है, एपी में भी नहीं है, ये हमें करना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।